है इस जीजा के लिए स्पेशल रसगुल्ला बन रहा है। ठीक है बैठी है, रेडी हो रही है। पूजा मुआ ने पूरा सेटअप बनाया हुआ है नेहा के लिए। फाइनली मेरे नेल्स हो गया और नेल्स ऐसे कुछ। गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। सो गाइज, आज का जो ब्लॉग है वो मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। आज है नेहा की शादी, तो सबसे पहले मैं चुटकी बजा के सारा काम जो है घर का खत्म कर लूंगी। इन दोनों ने बहुत बुरा हाल बनाया और ये दोनों उठ गए, वो वहाँ उठ गया और ये यहाँ उठ गया है। तो फटाफट से एक बार क्लीनिंग करूंगी, उसके बाद मुझे बनाना है खाना क्योंकि गुल्लू को स्कूल जाना है। देन खाना बनाएंगे और उसके बाद किट्टू आएगी, तो अब से ही शुरू हो जाएगी नेहा की शादी की तैयारियां। क्योंकि उसकी शादी में हमें रात को जाना है, तो अभी मॉर्निंग से शुरू करेंगे, जब भी जाके पूरी तैयारियां हो पाएंगी। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हेलो गाइज, क्या गोल हुआ है? हेलो कर, ये भी आ गया ना, दोगे सारे प्यार हैं। कमरा साफ सुथरा हो रहा है, खेल कूद कर रहे हैं बच्चे। जोत मिला दी, ये पै खाना बनाना है। पराठे खा लो सुबह सुबह, ये बड़ा रोटी अपन खा ले, गरम लड़की अब गरम नहीं खाएगी। मेरा सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा मैंने कर दिया, वो इन दोनों ने फिर से गिरा दिया है। किचन भी मैं दिखाती हूँ, यहाँ से भी पोछा पोछा लगा दिया मैंने, और किचन भी मैंने अपनी क्लीन कर लिया पोछा पोछा मार के। ठीक है, कपड़े आज मुझे धोने हैं नहीं, तो कपड़े मैं नहीं धोऊंगी आज। अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए, और दीपक ने पूजा भी कर दी है हम, तो मुझे वो भी नहीं करना। अब जस्ट मैं नहाने जाऊंगी, तो मैं सबसे पहले अपने कपड़े निकाल लेती हूँ। कपड़े देखते हैं क्या पहनना है क्या नहीं। सूट निकाला है, मैं ये वाला सूट पहनने वाली हूँ आज, तो चलो फटाफट से नहा धो के रेडी हो जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूंगी। नहा धो के रेडी हो गई हूँ और अब मुझे जाना है मार्केट में थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए शाम के लिए, क्योंकि नेहा की शादी है तो उसके लिए शॉपिंग करनी है। तो इसको स्कूल छोड़ते हुए हम सब निकलेंगे, तो एक बार इन दोनों को शूज पहना देती हूँ, उसको बैग टांग देती हूँ, फिर चलते हैं। यहाँ पे मेरा ना ये भी लिया रिंग लाइट लाया, और सुबह सुबह दर्शन कर लो, जय श्री श्याम जय श्री श्याम बाबा। बाबा भी थोड़ी देर में आते हैं, ठीक है आप ध्यान रखना इतने। ठीक है, लोग निकल गए हैं, पहले गोलू को स्कूल, अरे सीधा बैठ जा, पहले गोलू को स्कूल छोड़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे मार्केट। यहाँ पे गाय को डाल दो, गाय का खाना डाल देते हैं हम ना, एक दो दिन की रोटी इकट्ठी कर लेते हैं और फिर इनको डालना आ जाता है, तो गाय खा लेगी। पॉलिथीन में डालना, रोटी तो डाल दिए गोलू के पापा ने, और अब हम लोग निकल पड़े हैं मार्केट के लिए। और ये भी दिखाऊंगी कि हम लोग मार्केट से क्या शॉपिंग करेंगे। पता है मैं ना बहुत दिनों के बाद निकल रही हूँ ऐसे बाहर घर से, मुझे याद नहीं है मैं कब निकली थी, कब नहीं, तो कोई बात नहीं। हाँ, जब निकली थी, जब शायद श्याम बाबा के मंदिर गए थे, उसके पहले तो मैं निकली नहीं। तो ये है, और यहाँ देखो कितनी सारी गायें हैं, गायें सांड सब है यहाँ पे। तो अंदर चली गई, और ये इसका ज़्यादा रूम है। ठीक है, देखो बाबा गोलू को तो छोड़ दिया, अब हमारे होना पड़ रहा है क्योंकि हमने इसको नहीं छोड़ा। मतलब इसको इतना गुस्सा आता है ना जब गोलू को कहीं छोड़ देते हैं, इसको नहीं छोड़ते। तो मुझे ग्लिटर लेना है, तो मैं ग्लिटर लेने के लिए आई हूँ, उसको वहाँ पर रोना पड़ रहा है। हम घर आ गए, किट्टू भी आ चुकी है, और ये अपना पूरा वैनिटी का वो ले आई है, ये मेरे नेल्स करेगी आज सुंदर सुंदर से। अगर आज इसने अच्छे नहीं करे तो मैं इसके दो मारूंगी। ठीक है, तो मेरे अच्छे अच्छे नेल्स करवा लेते हैं, पहले इसको चुप देते हैं चाय पानी और फिर इससे नेल्स करवाएंगे। चलो, सारा अपना आताम झाम लेके आई है, जो इसको मेरे नेल्स के लिए और मेरे मेकअप के लिए ज़रूरत पड़ेगी। और वहाँ पे मैंने इसकी चाय डाल दिया, ये चाय बिस्किट वगैरह खा लेगी थोड़ा बहुत कुछ। ठीक है, तो जब तक हम इसकी वैनिटी चेक कर लेते कि ये लेकर क्या क्या आई है, अगर आज ये कुछ भूली ना तो मैं इसका मुँह तोड़ दूँगी, सीरियसली बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो वाओ, ये है इसकी वैनिटी जिसके अंदर इसका सारा सामान है, ऐसा कुछ है। ठीक है, यहाँ पे इसके सारे टूल्स रखे हुए हैं। आज क्विक सा वैनिटी,
टूर दे दिया मैंने आपको किट्टू का। और ये ऐसे क्यों लगाया हुआ है, तूने तरीके से क्यों नहीं लगाया हुआ सारा सामान? धर दे बेबे, कोई मेरा कोई सीन नहीं, तू नहीं इसका। चल यहाँ पे इसकी मौसी 2 सेकंड रबड़ बैंड बांधने गई, तो हर्षु बोला मम्मा मैं कर देता हूँ आपके नेल्स, आपको मौसी को क्यों परेशान कर रहे हो। तो हर्षु को अब मौसी आ गई, तो मौसी कह रही है रहने दे बेटा मैं ही कर दूंगी। इतनी मशक्कत तुझे क्यों देती हूँ, क्यों करना है। दूसरा बफर इस दे दे भाई, यो दे दे इसते, यो छोटे वाला ले कर दो। लो आप मेरे पैर के कर दो, लो पैर पे कर दो, हाँ पैर पे मम्मा के कर, हाँ करो ऐसे। ये देख लो भाई अरसु, अरसु नेल एक्सटेंशन वाला बन रहा है। किसी को करवाना हो तो संपर्क करे हमारे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। छोटा सा नेल आर्टिस्ट है ये, बेरा ना बेटा जूने की तरह यूज कर रहा है ये, मैल तो उतार देगा सारा। फाइनली मेरे नेल्स हो गए और नेल्स ऐसे कुछ लग रहे हैं, देख लो आप लोग, ठीक है। तो नेल्स मेरे कुछ ऐसे हैं और बहुत प्रिटी लग रहे हैं भाई, दोनों हाथों की बहुत सुंदर नेल्स लग रहे हैं, देख लो कैसे लग रहे हैं। खाना वाना खाएंगे अब हम लोग, तो सब्जी तो बनाई थी, बस रोटियां सेकनी है, तो बस खाना खाएंगे। और दीपक यहाँ पे नीचे आइसक्रीम ले रहे हैं बच्चों के लिए और हम सब के लिए, तो दोनों को खानी है, तो इसीलिए तो अब आइसक्रीम भी खाएंगे साथ साथ। और दिखाती हूँ, इतने ना मैंने नेल्स कराए ना सिर्फ इतनी देर में, तो इन्होंने देखो क्या हाल बना दिया, आप देख सकते हो। अब मेरे को फिर से झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, सारी चीज़ें साफ़ करनी पड़ेगी। चलो पहले मैं ये साफ़ कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करूँगी। गाइस मैं घर से तो निकल गई हूँ नेहा के पास जाने के लिए, वो ब्राइडल रेडी होने के लिए बहादुरगढ़ी आई है, तो उसके पास जाना है मुझे। खाना वाना खा के हम लोग आ चुके हैं, फिर पूजा पूरी कर ली है, तो अब हमें वहीं जाना है। तो दीपक मुझे छोड़ने जा रहे हैं और मैं पूरा फेस कवर करके जा रही हूँ, क्योंकि कल रात को क्लीनअप किया था ना, तो फिर सारा बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाएगी। मॉर्निंग में तो इतनी ज़्यादा धूप थी नहीं, अभी बहुत ज़्यादा धूप और बहुत ज़्यादा डर्ट है इसीलिए, ठीक है। तो चलो वहाँ पहुँच के आप लोगों को दिखाऊंगी, रास्ते में तो मुझे कुछ सामान खरीदना है वो भी दिखाऊंगी, क्या खरीदा क्या नहीं। पूजा मुँह ने पूरा सेटअप बनाया हुआ है नेहा के लिए, ठीक है, आते ही वो लग जाएंगी मेकअप करने, है पूजा। पूजा मुँह लगी हुई है और नेहा ने अपना मुँह दिखाने से बिल्कुल मना किया, कह रही है कि मेरे को अभी किसी के सामने रिवील मत कर, ठीक है। तो मैं अभी इसको रिवील नहीं करने वाली, पूजा पूरी मशक्कत के साथ लगी हुई है यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। और आज का इसका ब्राइडल लुक देख के ना आप लोग भी फिर इसके पास आ सकते हो, मैं इसका जो वो होगा ना अकाउंट नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ जाके आप इसको बुक कर सकते हो। ओके पूजा, मैं वापस जा रही हूँ घर पे, दीपक मुझे लेने आ नहीं पाए, तो इसी वजह से कोई बात नहीं, अब मैं घर जाके मैं भी रेडी होंगी, किट को भी रेडी करूंगी, बच्चों को भी रेडी करूंगी, क्योंकि हम सबको जाना है, तो उस हिसाब से सबको रेडी कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। अब हम लोग रेडी होने जा रहे हैं, तो फिर मैं कैमरा को ट्राइपॉड में लगा दूंगी, तो फटाफट से हम लोग एक बार इसका मेकअप कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। मेकअप फेस मेकअप तो कर लिया है, बहुत ज्यादा चमक रहा है, पता नहीं क्यों चमक रहा है, बट ये कुछ ऐसा लग रहा है लाइटिंग में। और ये वाली जो आई लुक है ना, इस पे मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे लास्ट टाइम जब भी मैंने ये आई लुक किया था, तो मैंने इसीलिए आज यही वाला आई लुक किया है, देख लो आप कैसा लग रहा है कैसा नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिए थे, तो इसीलिए मैंने आज सिर्फ यही आई लुक किया है। और पूरा मेकअप तो हो गया है, ड्रेस अभी जब तक दीपक नहीं आएंगे मैं नहीं पहनूंगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाऊंगी उस ड्रेस में, आई नो दैट, दैट्स व्हाई मैं वो ड्रेस उसी टाइम पे पहनूंगी जब मुझे जाना होगा। और अब इन दोनों को भी तैयार करना रहता है, तो उसको और उसको दोनों को तैयार करूंगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी तो जाना है नहीं, और आधा घंटा है जाने के लिए, तो अभी हम लोग करेंगे मस्त रेस्ट, उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। घर से रेडी होके निकल तो चुके हैं, और ना मैंने फुल लुक कवर नहीं किया, तो वहाँ जाके करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी गाइस, तो जल्दी जल्दी में मैंने कुछ नहीं करा, ठीक है। मेकअप तो मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, अब बाकी आपसे मिलेंगे वहाँ पहुँच कर। हम पहुँच गए हैं और अंदर जाके दिखा दी कौन कौन आया।
मीट शगुन, हिमांशु एंड इसको तो आप जानते हो साइड प्लीज. सो हेयर इज रोजी. जीजू का नाम मुझे पता नहीं है, जीजू का नाम मुझे पता नहीं है. और यहाँ पे क्यूट सी बेबी है. हेलो, से हेलो. हेलो हेलो, शी इज सो क्यूट. अभी चलेंगे फिर हम नेहा को भी मिलवाती हूँ अभी आप लोगों से. कुछ जिजा सालियों को ये नहीं नहीं सारी चौमिन वॉमिन इन्होंने खत्म कर रखी है. ध्यान से देखो. और ये पता नहीं क्यों राज्य हो रहा है, क्या बात है. एक प्लेट उठाया हुआ, एक प्लेट उठाया हुआ, इतना प्यार. निकल रहे हैं और अब उनके फेरे स्टार्ट हो गया. तो बस यही सब मैंने कैप्चर किया जो आप लोगों को दिखाया. और रसगुल्ला भाई मैं उसको नहीं खिला पाई, वो घर जाके बताऊंगी क्यों नहीं खिला पाई. हम लोग घर वापस आ गए थे, ये सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग है और रात को बहुत लेट हो गए थे इसलिए कुछ भी शूट नहीं करा. हम लोग ना कुछ भी नहीं वहाँ पे कर पाए क्योंकि वो लोग लेट हो रहे थे फेरों के लिए, तो उन लोगों ने ना स्टेज पे कुछ ज़्यादा कराया नहीं, तो इसलिए उनको रसगुल्ला वगैरह भी नहीं खिला पाई मैं. तो आई होप नेहा की शादी हो गई होगी अब तो ऑब्वियसली. तो अब वो जाएगी पंजाब, फिर आएगी कभी तो मैं आप लोगों को उससे पक्का मिलाऊंगी. चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करती हूँ यहीं पे. आपसे मिलूंगी जल्दी एक बढ़िया से व्लॉग और वीडियो में. तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, जय श्री श्याम.